दोस्तों हमारे बीच में जो बुद्धिस्ट एंटरप्रेनर्स हैं उससे जुड़े हुए कुछ लोग और हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं कि उनका जो ये सफ़र है, जब वो इससे इस संस्था से जुड़े तब वो कैसे थे और इस संस्था जुड़ने के बाद उनकी स्थिति क्या है। सबसे पहले आप बताइए, आप नागपुर से ही हैं? मैं अमरावती से हूँ। अच्छा, अमरावती से। और मैं करीबन 8 साल से इस संस्था से जुड़ा हूँ। जुड़ने से पहले मेरा जो बिज़नेस था मोबाइल सर्विसेज का, तो मैं जिस सिटी से हूँ अमरावती से, तो मुझे बहुत कम लोग पहचानते थे, यानी कोई जानता नहीं था और अपने लोगों से भी मेरा कांटेक्ट नहीं था। तो जैसे मैं इस संस्था से जुड़ा तो मेरे जितने भी बुद्धिस्ट बांधव है जो भी बिज़नेस करते हैं तो उनसे मेरी पहचान हुई। हमारी मीटिंग रहती थी हर महीने में, और बहुत सारे जो भी छोटे मोटे बिजनेस वाले उनसे सबसे मेरी जान पहचान हुई। और इस दौरान मेरे नए लोगों से भी उनके थ्रू उनके फैमिली उनके रिलेटिव से भी पहचान हुई, और वो मेरे बिज़नेस में बहुत हेल्प मिला मुझे। तो वो हमारा जो मोटो है बिज़नेस विद इन कम्युनिटी, तो वो हमारा बहुत फ़ायदेमंद रहा, क्योंकि वो मुझसे बिज़नेस ले रहे थे और मैं भी उनको बिज़नेस दे रहा था। तो ये शुरुआत थी, तो इसको हमने धीरे धीरे आगे बढ़ाया इस संगठन के माध्यम से। और पूरे अमरावती में हमने करीबन अभी 200 से ज़्यादा बिज़नेस लोगों को हमारे संस्था से जोड़ा है, और हम एक दूसरे से हम बिज़नेस का ये करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। और हमारे जो समाज के लोग हैं अमरावती में जितने भी हैं उनको भी हम अवेयर करते हैं कि जो भी आपको नीड है बिज़नेस से रिलेटेड, तो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारे अमरावती में सब लोग हैं हमारे बिज़नेस में, तो ये भी हम उनको बताते हैं अलग अलग प्रोग्राम के माध्यम से। हमारे अभी अमरावती में प्रोग्राम होते हैं ऐसे ही, इस प्रकार के स्टॉल लगा के हम भी उनको अवेयर करते हैं, तो लोग काफ़ी इंस्पायर हो रहे हैं और बिजनेस विद इन कम्युनिटी बढ़ रहा है। सर आप कहाँ से हैं? जी मैं नागपुर से हूँ। कब जुड़े थे लगभग? मुझे भी लगभग 8 साल हो चुके हैं। तो जो हमारा सफ़र था काफ़ी अच्छा रहा है इस 8 सालों में, हमें बहुत सी चीज़ें सर से मैडम से सीखने को मिली। जैसे मैं जानना चाहूँगा क्या सीखने को मिला? सबसे मेन जो हमें सीखने को मिला, जो लीडरशिप क्वालिटी जो सर में है वो हमें ट्रांसफ़र हुई उनकी, क्योंकि वो एक लीडर का जो ये सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है कि वो कभी फॉलोअर क्रिएट नहीं करता है, लीडर्स हमेशा लीडर्स क्रिएट करते हैं। तो ऐसे लीडर्स उन्होंने हर ज़िले में क्रिएट किए हैं, उनके नीचे और लीडर्स क्रिएट हो रहे हैं। तो ये एक हमें लीडरशिप क्वालिटी आई है, हम अपना बिज़नेस लीड कर पा रहे हैं, हम अपने कम्युनिटी को लीड कर पा रहे हैं, और हम अपने कम्युनिटी को एक तरह से एक मार्ग दिखा पा रहे हैं कि जो मार्ग हमें मिला है उस मार्ग पर आप भी चलिए और अपने ग्रोथ कीजिए। तो जैसे बाबा साहब का सपना था कि अपनी जमात जो मैंने वो शासन करते जमात बने, तो जो एक्चुअल में जो शासन करते हैं, जो जिनके पास पैसा है जिनके पास बिजनेस है वही वो एक्चुअल में शासन करते हैं। जो अगर आप देखोगे तो कोई भी पॉलिटिशियन या फिर कोई भी पॉलिटिकल पद जो रहता है वो 5 साल के लिए रहता है, उसके बाद वो चेंज हो जाता है। लेकिन जो बिजनेसमैन है वो अपन कंटिन्यू वही नाम सुन रहे हैं, जो टाटा बिरला अंबानी का है वो अपन बचपन से सुन रहे थे और अभी भी सुन ही रहे हैं, तो और आगे भी वही रूल करने वाले हैं। तो सबसे बेस्ट है अगर अपन को शासन करती जमात बनना है तो बिज़नेस में आइए, बिज़नेस में ग्रो कीजिए, और यहाँ से आपको कोई हटा नहीं पाएगा। फिर एक बार आप एस्टेब्लिश हो गए तो यहाँ से कोई हटा नहीं पाएगा। तो हमारा उद्देश्य यही है कि अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस में लाए, जो लीडरशिप क्वालिटी हम सीख रहे हैं हमारे मेंटर से हमारे लीडर से वो हम आपको सिखा पाए, और इससे धीरे धीरे ये जो कार्रवाई वो बढ़ता जाएगा और अपन एक तरह से शासन करती जमात बनेंगे। सर आप? मैं संजय गेड़ा, मैं मुंबई से रिप्रेजेंट करता हूँ, मुंबई का प्रेसिडेंट हूँ। और काफ़ी मुझे एक खुशी है कि हम 12 साल पूरे करने जा रहे हैं, इसलिए मैं अपने फाउंडर रत्नजीत कामले का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं 12 साल से उनके साथ जुड़ा हूँ। अभी इस 12 साल में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव हमने देखे हैं। हमारे साथ साथ रत्नजीत ने जो 12 साल से जो कर रहे उसमें काफ़ी सारे डेवलपमेंट होने जा रहे। आप अभी कितने प्रतिशत सफल हुए हैं इस संस्था से जुड़े? नहीं, सफल हुए तो काफ़ी सारे सफल हुए ना, जैसे मैंने आपको बताया कि NSIC MSME ने ऑफिशियल डिक्लेरेशन दिया है कि सबसे ज़्यादा इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद भी सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हमारे माध्यम से हुए, बुद्धिस्ट एंटरप्रेनर्स के माध्यम से हुए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सफलता है। और आज भी हमारे साथ जैसे मुंबई पोर्ट ट्रस्ट है, RCF है, HPCL है, BPCL है, रेलवे कोकण रेलवे, ये सामने से हमको कॉल करके बोलते हैं कि हम हमारे साथ आपको मीटिंग लगाना चाहते हैं, आपके लिए हम अवेयरनेस प्रोग्राम करना चाहते हैं, आपके लिए हम स्पेशल वेंडर डेवलपमेंट करना चाहते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सफलता है
इसके लिए मैं रत्न जिप्सका का एक बार शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो स्टार्टिंग से जो मेहनत की है, क्योंकि आज 12 साल हो गए, काफ़ी अच्छे लोगों का आज सिर्फ प्लेटफॉर्म दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे 10-12 साल से उन्होंने क्या किया वो हम जानते हैं। तो इसलिए ये सफलता के लिए बहुत बहुत बड़ी सफलता है हमारे लिए। सभी से मिलकर मुझे अच्छा लगा और इस पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।